हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। यस डॉक्टर, आपसे बात करना था। ये वाइफ प्रेग्नेंट है। कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? 4 महीने हो गया मैडम। अच्छा, ओके। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, कैसे आपको बताएं, क्योंकि आप माइंड मत करना, पता तो चल जाता है। हमारी वाइफ को भी पता चल गया था, लड़की है। अच्छा, अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है। तो ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है तो समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा, जेल में चला जाएगा तू। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम एक गायनोकोलॉजिस्ट को फोन कर रहे हो जो खुद एक औरत है, और तुम उसको कह रहे हो कि मेरी बीवी जो है उसको लड़की होने वाली है तो आप अबॉर्शन करा दे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर, आपको मालूम है एक इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो? इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है? ऐसे स्लोगन क्यों नहीं मानते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ? और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर इसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आई थिंक यू आर राइट नवेद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल, रिलीजन के नाम पे जो है कत्लेआम हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रेप जैसा इतना बड़ा जो इशू है, इतना बड़ा जो सोशल इशू है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट।